तो जी आज है अपनी जर्नी का डे नंबर 2 और आज के दिन हम खेमसर की रेगिस्तान से निकलकर पहुंचेंगे पहाड़ों में यानी माउंट आबू। तो खेमसर से माउंट आबू का डिस्टेंस लगभग 350 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो दुनिया में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वो जगह कौन सी है, चलो वीडियो में खुद ही देख लो। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हमारी ट्रिप का सेकंड डे और फर्स्ट डे में यार ये लोकेशन इतनी अल्टीमेट है भाई, बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। और अगर नहीं देखी मैं लास्ट वीडियो जाके देख लेना, इस लोकेशन के बारे में सब कुछ ड्रोन शॉट एंड एवरीथिंग सब कुछ कर रखा है उसमें। और कल भाई यहाँ पर इतना घूमे भाई थक के बिल्कुल सो गए थे। तो अभी बस उठे हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और कई छोटी मोटी चीजें हमने करनी है, शायद थंबनेल देख के आपको समझ में आएगी होगा हमने क्या करना है, तो वो सब चीजें भी अभी करने जाएंगे। पहले करेंगे ब्रेकफास्ट और फटाफट निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए जो है माउंट आबू। बाकी अगर मन कर रहा है तो थोड़ी सी लुक्स दिखाऊं जगह की, रुको थोड़ी सी दिखाऊंगा। हाँ ये देखो, अब पूरी तरह देखने के लिए जाके वीडियो देखो इस वीडियो के बाद। तो फिर से जी अपनी सवारी आ गई है और यहाँ से इस पे हम जाएंगे जहाँ अपनी गाड़ी मेन एंट्री पे खड़ी है वहां तक। चलो जी, नेशनल सवारी ऑफ राजस्थान। अब देखो ये सैंड ड्यून्स वगैरह ना आपको जोधपुर नहीं जैसलमेर सैमसन ड्यून्स वहां पर भी मिलेंगे वहां पर, लेकिन ना आजकल मतलब क्राउड इतना ज्यादा हो गया, क्राउड भी छोड़ो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पीछे लग जाएंगे कि जी यहाँ लो यहाँ, स्कैम बहुत ज्यादा है वहां पर। क्योंकि आपको फोटोज में वो हुआ नहीं था हमारे साथ कि फोटोज में दिखा, हाँ फोटोज में कुछ और देते, वहां जाके भाई इतना रद्दड़ निकलता है ना सर कुछ। ये तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एक्चुअली, हर चीज अंदर की जो है, एक तो विलेजेस के हिसाब से, लेकिन हमें लग्जरी सारी प्रोवाइड, हट्स के अंदर एसी फ्रिज ये वो शावर हर कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है। और इतना सुकून है क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल खाली है और बिल्कुल डेजर्ट के बीच में हो आप, तो इतना सुकून मिलता है यहाँ पर आके। अब राजस्थान पहुंचकर अपनी गाड़ी को रेत में लेके तो जाना ही था, हालांकि गाड़ियों को ये अंदर आने की परमिशन नहीं देते, बट थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके काम बन गया अपना। और बाकी थोड़ी सी लेकिन ऑफ रोडिंग तो जरूर करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम की भी थोड़ी कमी है और हमने काफी दूर जाना है। तो जी आ गए मेन गेट पे और ये खड़ी है अपनी राम प्यारी, और अब थोड़ा सा हम एक्टिविटी करके दिखेंगे कि यहाँ पर सैंड ड्यून्स में चढ़ पाती है कि नहीं, लेट्स सी। अच्छा वैसे तो यार सैंड में लेके जाने की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं गाड़ी में, एक तो 4x4 हो या ऑल व्हील हो तब तो बेटर है, साथ में टायर का प्रेशर भी आप कम करके रखो, हालांकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं है इसलिए मेरे को करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी चीज़ है इसका हम ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ करेंगे, वो चलाते ही बार हम कर देंगे यहाँ से, ताकि जो सैंड है वो मेरी गाड़ी को रोके ना, ताकि मेरा जो ऑफ करने के बाद क्या होगा गाड़ी का मोमेंटम जिस मोमेंटम से लेके जाएंगे वो बनी रहेगी। तो ये दो चीज़ें हम करेंगे, दो में से एक ही करेंगे, खैर हवा इतनी ही रहने देंगे क्योंकि भाई अभी हाईवे पे हमने जाना है, तो ये लेके जाएंगे। तो जी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और थोड़ी सी करके आते हैं ऑफ रोडिंग, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल हम कर देंगे ऑफ, ये आगे वार्निंग ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होने की, और अब इसको हम चढ़ाएंगे ड्यून्स में।
लेकिन इस ऑफ रोडिंग चक्कर में भाई अपना एक छोटा सा नुकसान हो गया, अपना ड्रोन क्रैश हो गया। तो किसी तरह माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़कर अपने ड्रोनी को तो हमने रेस्क्यू कर लिया। बस गनीमत ये रही कि गिर के टूटा नहीं, लेकिन अपना पूरा ड्रोन भाई रेत से भर गया। और जब चलाया तो थोड़ा तो स्ट्रगल स्टार्टिंग में कर रहा था, बट साफ सुफ करने के बाद उड़ ही गया, थैंक गॉड, तब जाके जान में जान आई। बट चलो, इतने कमाल के शॉट्स के लिए भाई इतना रिस्क तो लेना बनता है। छोटी सी अपनी ऑफरोडिंग थी, तो ऑफरोडिंग तो क्या यार, वैसे तो अलाउड नहीं होता है इनकी प्रॉपर्टी में अंदर तक लेके जाना, बट मैं रिक्वेस्ट करके मैं थोड़ा सा यार सैंड के दर्शन तो करा दे अपनी गाड़ी को, तो हल्का सा यार ऊपर तक ले गए थे, बट बड़े प्यार चली गई थी और इवन अंदर तक चली जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यार इस दौरान एक कांड हो गया, मेरा ड्रोन मैंने इसको ना एक्टिव उस पे लगाया हुआ था ट्रैकिंग पे, तो वो सैंड से टकरा के भाई सैंड में गिर गया, उसमें सारी मिट्टी मिट्टी सी भर गई हुई है। तो आई होप यार आगे बहुत ट्रिप पड़ा है अपना, वहां ऐसे खराबी ना आ जाए उसमें, नहीं तो यार खराब हो गया तो आगे इतनी अल्टीमेट जगह वाली है भाई, उसके शॉर्ट्स कैसे दिखाऊंगा आपको। लेकिन सच में यार मजा आ गया, और अपनी गाड़ी को तो खैर हम पानी बर्फ पत्थरों पे हर जगह ले गए थे, सैंड सैंड एक बची थी, आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। और ऑफ रोडिंग करते हुए इन भाई साहब का दांत और टूट गया, बेटे दिखा दांत ही, आगे से इसका मिल्क टूथ टूट गया। चलो थैंक गॉड मैं आ गई, अगर मैं ना आती तो मैं इतना ज्यादा मिस करती आपकी वीडियोस देख के, ये सब कुछ बहुत जलाता है। एक्चुअली यार मेरा प्लान बना हुआ था, निधि का लास्ट मोमेंट प्लान बना है मेरा था कि मैं ये सोलो ट्रिप करूंगा, बट जगह जब निधि को दिखाई तो रात रात में नहीं मैं भी जाऊंगी और बस फिर साथ साथ हो लिया, बन गया प्रोग्राम सीरियसली। तो मैं अकेला एक्सप्लोर कर रहा था और निधि को मैं जलाता। तो फाइनली अपन निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। वैसे आज का स्टे जो रहने वाला है हमारा, रहने वाला है माउंट आबू, लेकिन माउंट आबू पहुंचने से पहले एक जगह बीच में और आती है जहां हमने रुकना है, और वो है ओम बन्ना टेम्पल। अब इस टेम्पल में रुकने का रीजन क्या है यार, ये टेम्पल बहुत यूनिक है क्योंकि ये दुनिया में इकलौता टेम्पल है जो बुलेट मोटरसाइकिल पे बना हुआ है। क्यों चाहोगे ना, सही सुना आपने, ये इकलौता मंदिर है जो बुलेट बाइक पे बना हुआ है। मैप्स में अपन ने डाल दिया और यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के अराउंड है, 2-1 घंटे लगेंगे। हाईवे अभी तक तो बहुत अच्छा था, आगे का देखते हैं अब कैसा रहता है। लेकिन वही बात है यार, अच्छा हाईवे होना यार थकावट बिल्कुल नहीं होती, और कल हमारा 10.5 घंटे के राउंड की जर्नी दिखा रहा था। लेकिन यार अगर हाईवे गड़बड़ होता ना तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी में आने के बाद भी ना भाई लंका लग जाती, कहीं उठने का मन ही ना करता, लेकिन बिल्कुल भी फटीगनेस नहीं थी। बट आई होप यार आगे वाले रास्ते ऐसे ही स्मूथ हो बिल्कुल मक्खन की तरह, ताकि अपने को फटीगनेस ना हो और ऐसा ही अपना ट्रिप मस्त तरीके से चलता रहे। चलो खींचते हैं गाड़ी को अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। वैसे तो यार माउंट आबू जाने के कई सारे रास्ते हैं, पर ये NH-62 बहुत अल्टीमेट रोड है, ये जोधपुर पाली हाईवे भी इसको कहते हैं, तो ये सीधा रोड है और आगे जाके यही रोड जो है अहमदाबाद को भी कनेक्ट करता है। बाकी यार अपना एक मिशन और भी है, क्योंकि जैसे यहाँ रेंज दिखा रहा है 287 की, तो अपने को ऐसा चाहिए कि यार राजस्थान में अपने को तेल ना डलवाना पड़े। कोशिश अपनी यही रहेगी कि अगला जो फिलअप हम करवाए ना वो गुजरात में कराएं, क्योंकि गुजरात में भी तेल सस्ता है, हरियाणा में भी सस्ता था, राजस्थान में बहुत महंगा है। नहीं कोई राजस्थान से एलर्जी नहीं है कि राजस्थान में पेट्रोल से कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है, बट सिर्फ एक अपने कहते हैं ना एक छोटे छोटे गोल्स, तो छोटे गोल सेट किया हुआ है कि हाँ यार चलो इस बार ना राजस्थान को स्किप करते हैं हम, तो चलो देखते हैं स्किप हो पाता है कि नहीं। भाई मेरा साथ दे दियो, ज्यादा तेल मत खाइयो। भैया के भाई ने नंबर तो बहुत सैलरी से लिखवाया यार, बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये गाड़ी भाई गलती चंडीगढ़ अगर आ जाए ना लंबा चौड़ा कटेगा इसका, लंबा चौड़ा। ये नंबर है क्या RJ21 राम लग रहा है ना, वैसे तो राम लिखा हुआ है, 21 आगे पता 4 होगा, 214, लेकिन वही है 214 RJ21 UG0 छोटा सा लिखवा दिया 214 उसका राम बना दिया। लिखा बहुत अच्छा है, लग अच्छा रहा है, लेकिन भाई अपने चंडीगढ़ में तो ऐसा लगाना दूर भी सोच भी नहीं सकते, इंपाउंड करेंगे इस गाड़ी।
भाई रोड इतने मजेदार है ना यार, इतने अल्टीमेट रोड है। मैं राजस्थान ने तो भाई सही तरक्की करी हुई है। और बाकी मैडम को लगी हुई है भूख, खाई जाओ मैडम खाई जाओ। नहीं नहीं, ऐसा है कि अभी हम बस 10 किलोमीटर दूर हैं। हमारा जो पहला एक मेन जगह आने वाली है वो है जोधपुर। तो जोधपुर की भाई सुने कचौड़ी बहुत फेमस है, प्याज कचौड़ी यहाँ की, तो हम वहां पर कचौड़ी खाने रुकेंगे। मजेदार ट्रैवलिंग के साथ साथ ना मेरे को लग रहा है मैं फूड ब्लॉगर ही बन जाना चाहिए मेरे को, क्योंकि खाने का यार मुझे बहुत शौक है, खाने पीने और घूमने का बहुत शौक है। तो साथ साथ भाई फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं, कोई नहीं अभी जोधपुर जाके भाई फूड ब्लॉगर बनते हैं। तो जी हम जोधपुर सिटी एंटर कर चुके हैं, ट्रैफिक पूरा भर भर के है यहाँ पर, बट अपने को ढूंढना है बढ़िया सा कचौड़ी वाला, ताकि वहां पर हम एक कचौड़ी खाएं और आगे निकलें। इससे ज्यादा यार रुकने का प्लान फिलहाल जोधपुर में नहीं है, पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ, रुक चुका हूँ, तो अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो रूट प्लान है उसे हमने जोधपुर को इंक्लूड नहीं किया है। अदरवाइज तो यार वाकई में रुकने लायक जगह है ये भी, और यहाँ आना तो अपने आप में एक ट्रिप है यार। जोधपुर का बेसिकली जो ट्रिप बनता है ये जोधपुर, जैसलमेर, आगे टनौट, ये पूरा एक ट्रिप अलग ही बनता है। तो डेफिनेटली आगे इन फ्यूचर कोशिश करेंगे ये वाला ट्रिप भी बनाने की, बट फिलहाल अपने करंट ट्रिप पे फोकस करेंगे हम। तो जी कचौरी के चक्कर में हमने पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी गाड़ी डाल दी है। तो जो हमने सर्च किया था गूगल देवता ने हमें बोला है यहाँ सुरंगों से नीचे होते होते वहां तक पहुंचो, तो जा रहे हैं फिलहाल। तो भाई ये है यहाँ की वन ऑफ बेस्ट और पुरानी जो है स्वीट शॉप, और यहाँ की कचौरी तो भाई वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ पर कचौरी खाए बिना आगे कैसे जाएं? ये है भाई कचौरी यहाँ की फेमस, प्याज कचौरी ना, मीठे वाली कचौरी, मावे की कचौरी। तो यहाँ के हमने सीट संभाल ली है और यहाँ से ऑर्डर कर दिया है, आता है खाना फिर आपको दिखाते हैं। लो जी आ गई अपनी कचौरी और दो प्लेट रसमलाई। अच्छा ये डालना है। तो यहाँ की स्पेशलिटी प्याज कचौरी दही में देते हैं चटनी चुटनी के साथ, और ये मसाले रखे हैं, अपने स्वाद अनुसार डालो। तो थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। पहले सारा खा लूंगा, लास्ट में बताऊंगा। भाई मजा आ गया वाकई में, मतलब पूरी जीप है ना पटाखे से फूट रहे हैं। सही में इतनी स्वाद थी यार, और मतलब दही वाली तो यार हमने पहली बार खाई ना, हाँ पहली बार खाई है लाइफ में। मैं तो बल्कि जब ऑर्डर की ना इनसे पूछा कि क्या है प्याज कचौरी, मुझे बोलते प्याज कचौरी दही में, तो निधि तुमसे बोल दही में कौन खाता है कचौरी। तो फिर मैंने बोला मैं यार इनकी स्पेशलिटी है भाई, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करते हैं। और वाकई में यार जनरली बहुत टेस्टी थी, मतलब जनरली बहुत टेस्टी थी। अदरवाइज कचौरी वैसे खा के होता है मुंह ड्राई ड्राई हो जाता है, ये तो ऐसा था मतलब आप रख लो कि जैसे आलू टिक्की होता है ना, आलू टिक्की दही दुई के साथ, हाँ मतलब ये, और दही में मतलब क्रिस्प थी, खस्ता थी, खस्ता कचौड़ी, हाँ एक्चुअल वर्ड जो खस्ता कचौड़ी थी बिल्कुल। अब आगे हम निकलेंगे अपने ट्रिप पे। ये भैया भाई 2 घंटे से पीछे पड़े, नींबू ले लो। भाई मैं कहाँ लेके जाऊंगा, इतनी गर्मी मैंने जाना, नींबू खराब हो जाएंगे, मैं नहीं लेना। देखना भैया कंटिन्यूअसली भाई बीच में बोनी के नाम पे हमने भाई 2 नींबू ले लिए, ठीक है भैया बाय बाय। तो वो कहते हैं ना मिर्ची नींबू से भाई नजर नहीं लगती, तो मिर्ची तो नहीं, मिर्ची तो हमारी जुबान पे लड़ रही है हल्की हल्की, नींबू हमने और ले लिए बस। अच्छा नेविगेट टू ओम बन्ना टेम्पल, वुड यू लाइक डायरेक्शंस टू ओम बन्ना टेम्पल ऑन NH62 रोहट इन पाली डिस्ट्रिक्ट? यस ओके गेटिंग डायरेक्शंस। शुक्र है, मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि भाई ये भी कभी चलेगी। चलो जी तो अपनी अगली डेस्टिनेशन जो है वो है ओम बन्ना टेम्पल, और यहाँ से लगने वाले लगभग 50 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता है, तो वहां चलेंगे अपन। चलो फटाफट निकलते हैं जोधपुर से ओम बन्ना टेम्पल के लिए। यहाँ से हम हो गए राइट, भाई स्पीड ब्रेकर के मामले में हैरानी से कम नहीं है ये भी, यहाँ भी स्पीड ब्रेकर भर भर के हैं, तो दिखा रही तो एकदम से डग 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 खड़े भी हैं भाई। राजस्थान में ये तो खड़े मिलेंगे भाई कई जगह, तो आराम आराम से गाड़ी चलाओ स्पीड लिमिट में। तो यार पहुंच गए ओम बन्ना टेम्पल,
और यहाँ से आगे कहीं से यूटर्न देखते हैं, यूटर्न मार के इधर इधर जाना है हमने। तो बस यहाँ आगे पार्किंग यहाँ लगा देते हैं गाड़ी को। तो जी ये है ओम बन्ना टेम्पल, और ये देखना ये उनकी फोटो लगी हुई है ये ऊपर, जिनकी स्टोरी मैं आपको बता रहा था ना। तो यहाँ से यार वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा टेम्पल कवर करूंगा, तो वो भी ज़रूर देखना। बाकी अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, और चैनल में नहीं तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।